वज़ीर-ए-आज़म SOPs पर अमल दरामद का भी कह रहे हैं और फिर हुकूमत के पास वो कह रहे हैं कि अब लोगों को मजीद पैसे देने के लिए वसाइल नहीं बचे हैं और हमारी बरामदात भी गिर चुकी है, इकोनॉमी पर मनफी असर पड़ा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली COVID-19 भी है, इकोनॉमी भी डाउनफॉल हो रही है, जो डेली वेजर्स हैं उनका भी हमने सोचना है। तो ऐसे में क्या ये जो फैसले सामने आ रहे हैं इनको किस तरह से कंपेयर किया जाएगा, किस तरह से इनको देखा जाएगा? देखें, SOPs इम्प्लीमेंट कराना हुकूमत का काम है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की रिट कहीं भी नज़र नहीं आती। SOPs हो गए, स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, बातें सिर्फ टीवी की हद तक है, ऑन ग्राउंड इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं है। अच्छा, अब आप इस लॉकडाउन को, ये जो अभी जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि सियाहत खोली जाएगी, जिस स्टेज पे हम आ गए हैं, अवाम का एतमाद तो इस गवर्नमेंट ने जीता ही नहीं। आज आप अवाम से सर्वे करके पूछें तो वो कहेंगे कि हुकूमत जान के कोरोना कराती है क्योंकि हुकूमत को पैसे मिलते हैं लाखों रुपए कोरोना के पेशेंट की। जो काम इन्होंने जो क्वारंटीना सेंटर्स में किया, आज अवाम को किसी बंदे को कोरोना हो जाए तो वो घबराता है कि कहीं पता ना चल जाए कि मुझे कोरोना है, मुझे वो एक बदतरीन निज़ाम के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर क्वारंटीन में डाल देंगे और मुझे मार देंगे। तो जब ये अवाम की सोच पैदा हो जाए तो अवाम ट्रस्ट ही नहीं कर रही हुकूमत पे, और यही वो नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि SOPs इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। अवाम क्यों नहीं ट्रस्ट कर रही? अवाम इसलिए नहीं ट्रस्ट कर रही क्योंकि आज भी इमरान खान साहब को नहीं पता कि लॉकडाउन किसने किया है। लॉकडाउन पंजाब हुकूमत ने किया है जो PTI की है, बलूचिस्तान हुकूमत ने किया जो PTI की है, KPK ने किया जो PTI की है, और फेडरल गवर्नमेंट ने किया जो PTI की है। तो जिस चीज को आप ओन ही ना करें और कभी डिसओन कर दें और फिर ओन कर दें, तो आज तक तो हमें ये नहीं पता चला कि लॉकडाउन कराया किसने।